मुलायम सिंह यादव जी से मेरा बहुत पुराना संपर्क था और जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं उनसे कहता था कि मुझे छिंदवाड़ा जाना है, वो अपना जहाज मुझे देते थे। बहुत पुराने निकट संबंध थे और उनकी जो जन सेवा की भावनाएं, मैं उन्हें केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं पर एक समाज सेवक के रूप में देखता था। भयंकर नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में किसानों को, किसानों की फसल का नुकसान नहीं है, किसानों के भविष्य का नुकसान है। हमारे वो कारम डैम में उनकी फसल तो गई पर साथ तो जमीन गई। जो चीजों की मैंने शुरुआत करी थी उस पर हम आगे बढ़ेंगे। किसानों की कर्जे की बात हुई, हमने पहला किस्त किया था, हम दूसरा किस्त चालू करेंगे, किसानों को मुआवजा मिले। आज नीमच मंदसौर मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं, वो याद कर रहे हैं कि जैसे उनको 7 दिन में मुआवजा मिल गया था, आज तो कोई पटवारी नहीं पहुंचता, कोई तहसीलदार नहीं पहुंचता, ये हालत है। लेकिन ये गलत शब्दों का, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना राजनीति में, इससे राजनीति में गिरावट आती है। हम सबको, आपने कभी नहीं सुना होगा मैं कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करता हूँ। हमारे विरोधी हो सकते हैं पर हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमें याद रखना है। हर वर्ग परेशान है, नौजवान के हर डिपार्टमेंट का वर्ग परेशान है, हमारे शिक्षक परेशान हैं, डॉक्टर परेशान हैं। मुझे ये बताइए आज सुखी कौन है? सुखी खाली बीजेपी के नेता और उनके कार्यकर्ता जो आज बटोरने में लगे। देखिए ये इवेंट की का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है और जो मैंने किया था महाकाल के लिए ये रिकॉर्ड पर है। मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता पर आज ये उसका श्रेय लेना चाहें, ये तो सब चीज़ का श्रेय लेते हैं। अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, शायद अगले 10 महीने में कहें कि जो कर्जा माफ़ हुआ वो भी हमने किया था। ये हर चीज़ में श्रेय लेना चाहते हैं पर आम जनता बहुत समझदार है, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इनको कड़ा जवाब देगी। चुनाव के पहले उनको ये सब याद आती है, नशा याद आता है, खुद ये नशे में रहे, अब जो समय आया है, हाँ ये इनका नशा थोड़ा दूर हो रहा है पर ये अगले 11 महीने इसी नशे में रहेंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।